जो खिलाड़ी हमारे साथ इस समय हैं ये आईपीएल खेल चुके हैं, सर पहले तो वो बताइए कि आईपीएल कौन से ईयर में आपने खेला था, वहाँ क्या आपकी परफॉर्मेंस रही थी और केपीएल के दौरान पूरी क्या परफॉर्मेंस आपकी रही? मैं आईपीएल सारुल कन्वर और मैं आईपीएल 2011-12-13 तीन सीजन खेला हूँ मुंबई इंडियंस से। और इससे पहले प्लेइंग 11 में कितने मैच खेले? प्लेइंग 11 में 4-5 मैच खेला हूँ मुंबई से, चैंपियंस ट्रॉफी खेले थे हम, तब चैंपियंस रहे थे। और उसके बाद 3 साल टीम के साथ रहा हूँ मैं, बाकी अभी करंट में चंडीगढ़ से रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ, उससे पहले पंजाब से और अपना उत्तर प्रदेश से रणजी ट्रॉफी खेला हूँ। अभी रिसेंटली यहाँ पर टूर्नामेंट खेले हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा टूर्नामेंट वाला इस बार खेल के, और हम जैसे हमारी टीम विन करी, फाइनल मैच था जैसे आज का, हमने 202 बनाया, 202 का टारगेट था हमें। तो मैं एक ही बात कर रहा था टीम से कि भाई चाहे फाइनल मैच चाहे कोई मैच आप एंजॉय करके खेलो, जितना आप क्रिकेट को एंजॉय करोगे उतना, मतलब कोई टारगेट या आपको फाइनल मैच कोई इतना बड़ा नहीं रहेगा और परफॉर्मेंस भी आप बेस्ट दे पाओगे, परफॉर्मेंस बेस्ट दें। तो लड़के सारे वही बार बार बात कर रहे थे कि मतलब क्या करना है बीच में, मैं कह रहा एंजॉय करके खेलो, एंजॉय करके खेल लड़के और इजिली टारगेट मतलब जीता, बीच में मैच ऊपर नीचे रहा बट ऐसे नहीं लगा कि हम मैच से कभी आउट हुए बीच में। तो लगातार आपको जो विश्वास था कि आप जीतोगे और आप फाइनली जीत भी गए, परफॉर्मेंस आपकी क्या रही इस केपीएल के दौरान और जब आप आईपीएल खेलते थे तब क्या परफॉर्मेंस आपकी रही थी? आईपीएल के टाइम पे मेरा परफॉर्मेंस ठीक रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी खेले थे फर्स्ट मैच मैंने परफॉर्म किया था 21 बॉल पे कोई 47 रन बनाए थे मैंने उस मैच में। और उसके बाद मतलब ज़्यादा नहीं खेला लंबा मैं आईपीएल में, क्योंकि टीम हमारी बड़ी थी काफ़ी, सचिन तेंदुलकर मतलब उस साल इंजर्ड थे तब मेरे को मौका मिला था, तो तब मैं मैचेस खेला था, फिर वो फिट होके आ गए मेरे को मौका नहीं मिला फिर उसके बाद, बाकी डोमेस्टिक सीजन में मैंने रन बनाए काफ़ी। और उसके बाद यहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, कोई मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, ठीक ठाक रहा, मतलब टीम कॉम्बिनेशन अच्छा था, तो बैटिंग ऊपर नीचे, वैसे मैं ओपनर हूँ तो उसके बाद बीच में खेलने आता था, तो यही था कि अभी जैसे नेक्स्ट टूर्नामेंट्स होते हैं और तो हर जगह हम खेलने एक साथ ही जाते हैं हम लोग सारे, तो कॉम्बिनेशन हमारा यही रहता है कि कभी हम ऊपर खेलते हैं नीचे खेलते हैं, तो इस तरह से चलता है हमारा। तो आगे भी रियासी आते रहेंगे अगर मौका मिला तो? हाँ बिल्कुल, यहाँ तो टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, मतलब कि नेक्स्ट टाइम जब भी अब होगा हमारे जैसे यश भाई है, मतलब बड़ा मज़ा आया इनके साथ, मतलब फर्स्ट टाइम आए हैं और मतलब कि मैं काफ़ी जगह टूर्नामेंट खेलते रहता हूँ, तो मतलब जितने अच्छे हमारे ऑनर हैं इन्होंने जो मतलब जैसे ट्रीट किया हमें, हर जगह लेके घुमाया फिरया। रियासी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया इस बार यहाँ पर आके। सियाड़ बाबा भी गए? हर जगह गए, मतलब घूमने तो हम हर जगह गए हैं, माता के दर्शन भी करके आए हैं, पहले भी आता रहता हूँ यहाँ पे। चलिए इसी बहाने खेलते भी हैं आप यहाँ पे आकर और माता के दर्शन भी आपको हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आईपीएल का एक्सपीरियंस किस तरह का था? बड़े प्लेयर्स के साथ आप वहाँ पे रहे तो सीखने को भी काफ़ी कुछ मिला होगा, हमारे युवाओं को जो क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें क्या पैगाम संदेश है? आईपीएल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मतलब बहुत ही एक अच्छा रहा है, जो जिस टीम के साथ मैं जुड़ा था आई थिंक वो इंडिया की सबसे बेस्ट टीम है, वो तो उनके साथ एक जैसे सचिन तेंदुलकर ड्रेसिंग रूम शेयर करना बहुत बड़ी बात है और उनके साथ रहना, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला मेरे को, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। हाँ बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को, तो मेरे को डोमेस्टिक सीजन में भी मतलब काफ़ी हेल्प मिली उसके बाद। और जो मतलब मैं जो ये क्रिकेट खेल रहे हैं यंगस्टर, मैं उनको यही करूँगा कि जब भी क्रिकेट आप जो खेलते हो हार्डवर्क से खेलो, मतलब अपना गेम में 100% दो तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी उस चीज़ में। जी शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू।